अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल चाल है मेरी जान, कैसे हैं आप सब। तो मेरे बच्चे थोड़ा सा डिले होगी, 1 से 2 मिनट हमारी क्लास, उसके लिए। तो अब मेरे बच्चे, आप लोगों को बड़े अच्छे से ये चीज़ क्लियर है कि कल हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ साइंस की डेफिनेशन पढ़ी थी, आज हम फर्दर फिजिक्स को भी डिफाइन करेंगे, बायोलॉजिकल साइंस, फिजिकल साइंस के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स की बात करेंगे। तो मेरा बेटा, मैं थोड़ी देर 1 या 2 मिनट आप लोगों का वेट कर लेता हूँ, उसके बाद आप लोगों की जो चैट है वो डिसेबल कर दी जाएगी और जब लेक्चर कंप्लीट होने वाला होगा मैं दोबारा आप लोगों की चैट को एनेबल करने के बाद आपके जो क्वेश्चंस हैं वो पूछ लूंगा कि आप क्या सवालात पूछना चाहते हैं। जी कमेंट्स जरा सामने कर दें ताकि पता चले क्लास में कितने लोग लाइव हैं और उसके बाद इंशाल्लाह मेरा बेटा हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। कल हम लोगों ने साइंस तक पढ़ा कि साइंस आपके पास द नॉलेज गेन थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंटेशंस इज कॉल्ड साइंस एंड द वर्ड साइंस इज राइट फ्रॉम द लैटिन वर्ड साइंटिया व्हिच मींस नॉलेज। उसके बाद ये बात की जाती है कि मेरा बेटा नॉट अंटिल 18th century 18वीं सदी तक हर चीज को, इंसानों, जानवरों, कुत्ते, बिल्ली, हर चीज के बारे में जानना, मतलब स्टार्स के बारे में जानना, गैलेक्सीज के बारे में जानना, इनसाइड आउटसाइड द अर्थ नहीं चल रहा। जी मेरे बेटे, आप लोगों के कमेंट्स मेरे सामने आ चुके हैं और जल्दी जल्दी से मेरा बेटा लाइव हो जाए उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना जो टॉपिक। जी वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। आपकी क्लास थोड़ी सी टेक्निकल इशू की वजह से थोड़ी सी लेट हो चुकी है, जल्दी से मेरे बेटे लाइव हो जाएं फिर उसके बाद इंशाल्लाह। जी वर्दा बेटा, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को और टॉपिक का आगाज़ होगा मेरे बच्चे फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स का चैप्टर है हमारा, लेकिन इससे पहले हम जो कल पढ़ चुके हैं वो साइंस की डेफिनेशन है, व्हाट इज़ कॉल्ड द साइंस। तो द नॉलेज गेन्ड थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंटेशन इज कॉल्ड साइंस। उसके बाद मेरे बच्चे हम लोगों ने ये बात पढ़ी कि साइंस एक्चुअली एक लैटिन वर्ड है जिस लातीनी जुबान का लफ्ज है जिसका मतलब मेरी जान होता है नॉलेज, जिस बात का मतलब क्या होता है मेरा बेटा नॉलेज। अब मेरे बच्चे हम बात करेंगे कि नॉट अंटिल 18th century, यहां पर मेरे बच्चे, जी वालेकुम सलाम मेरा बेटा, जल्दी से लाइव हो जाए करें, 1 से 2 मिनट में अगेन आप लोगों का वेट कर लेता हूं ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग हमारे साथ लाइव हो जाएं और उसके बाद जो हम अपनी क्लास का जो बकायदा तौर पर आगाज कर सके। तो मेरी जान टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना, जल्दी से मेरे बच्चे लाइव हो जाएं। जी अब क्लास में जैसे मैं क्लास स्टार्ट करूंगा तो एक दफ़ा आप लोगों के जो कमेंट्स हैं, आप लोगों की जो चैट है वो डिसेबल कर दी जाएगी और उसके बाद मेरा बेटा जब ये लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा, जब मैं अपनी तरफ से एक्सप्लेनेशन दे सकूंगा या दे चुका होगा तो आपकी चैट को दोबारा एनेबल कर दिया जाएगा और आपके सवालात को देखा जाएगा और उसके मुताबिक उनके जवाब दिए जाएंगे। तो अब मेरे बच्चे आप लोगों ने क्लास में बिल्कुल स्टार्ट करने लगा हूँ, ध्यान देना है, अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना मेरे बच्चे आप लोगों ने। जी मेरा बेटा, तो अब बात करते हैं सबसे पहले 18 सेंचुरी से पहले तक, इवन कि 18 सेंचुरी तक भी हर चीज के बारे में, जैसे कि इंसानों के बारे में जानना, जानवरों के बारे में जानना, जमीन के अंदर क्या है, जमीन के बाहर क्या है, ईच एंड एवरीथिंग एक ही सब्जेक्ट में स्टडी की जाती थी। उस सब्जेक्ट को हम नाम देते थे मेरा बेटा नेचुरल फिलॉसफी का। उसे हम क्या नाम देते थे मेरा बेटा नेचुरल फिलॉसफी, कुदरत की फिलॉसफी, नेचुरल फिलॉसफी का नाम दिया जाता था। एवरीथिंग इज स्टडी अंडर अ सिंगल सब्जेक्ट जिसको हम नाम देते थे मेरा बेटा नेचुरल फिलॉसफी का, जिसको क्या नाम देते थे मेरे बच्चे नेचुरल फिलॉसफी का हम नाम देते थे। अब मेरे शहजादे अगर हम बात करें, अब विद द पैसेज ऑफ टाइम नॉलेज इतना बढ़ता गया, इल्म इतना बढ़ता गया कि हमें दो हिस्सों में साइंस को डिवाइड करना पड़ा, हमें साइंस को दो ब्रांचेस में डिवाइड करना पड़ा। नॉलेज इतना बढ़ गया कि नेचुरल फिलॉसफी तक महदूद नहीं किया जा सकता था, तो हमने साइंस को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। एक, जैसे कि चीजें आपके पास दो तरह की होती हैं, लिविंग थिंग्स, और दूसरी आपके पास मेरा बेटे होती हैं नॉन लिविंग थिंग्स। अब द स्टडी ऑफ द लिविंग थिंग्स, इसको मेरा बेटा हम नाम देते हैं
बायोलॉजिकल साइंस का, जबकि मेरे बच्चे द स्टडी ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स इसको हम नाम देते हैं फिजिकल साइंस का. द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड बायोलॉजिकल साइंस एंड द स्टडी ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड फिजिकल साइंस. द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड बायोलॉजिकल साइंस एंड द स्टडी ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड फिजिकल साइंस. बायोलॉजिकल साइंस में आपको बड़े अच्छे से पता है, बायोलॉजिकल स्टडी में बॉटनी, जूलॉजी, ये सारी ब्रांचेस मजीद आ जाती हैं. जैसे कि आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे पता चलेगा, फिजिकल साइंस में नॉन फिजिकल चीज़ों को स्टडी किया जाता है, जिसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट ब्रांच जो कि आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो मेरा बेटा हमारी ब्रांच जो कि सब्जेक्ट का नाम भी है फिजिक्स. What is called the physics? Physics किसे कहते हैं, या फिर आप define करें physics किसे कहा जाता है. तो सबसे पहले मेरा बेटा, मैं आप लोगों को कहता हूँ कि हमें इस कायनात में जो सारी चीज़ें नज़र आती हैं वो या तो सॉलिड की फॉर्म में है, या लिक्विड में है, या फिर आपके पास गैस है, या फिर आपके पास प्लाज्मा है. सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, फोर स्टेट ऑफ मैटर है मेरा बेटा. इन जनरली इन सबको एक नाम दिया जाता है, हम उसे कहते हैं मेरा बेटा मैटर. हमें इस कायनात में क्या चीज नजर आ रही, सारा सारा मैटर है. इसके बाद इसमें क्या मौजूद है मेरा बेटा, एनर्जी. किसी भी काम को करने के लिए जिस चीज की जरूरत होती है उसे नाम दिया जाता है मेरा बेटा एनर्जी. उसे क्या नाम देते हैं मेरा बेटा, एनर्जी. हमें अपनी बॉडी के कोई भी फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए खुराक से क्या मिलती है, एनर्जी. मैं बोल रहा हूं तब भी मुझे क्या चाहिए बोलने के लिए, एनर्जी. आप सुन रहे हो, बर्दाश्त कर रहे हो, तब भी मेरा बेटा आपको क्या चाहिए, एनर्जी. सो मेरे बच्चे, फिजिक्स में एक्चुअली दो चीजों के बारे में हम लोगों ने मेजरली, अगर डेफिनेशन की बात करूं, द स्टडी ऑफ मैटर, द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन. इंटरेक्शन का मतलब इनका आपस में ताल्लुक क्या है, या इन दोनों के आपस में मिलने से क्या फिजिकल चेंजेस आते हैं या नहीं आते, या क्या होता है या नहीं होता, ये सारा किसमें स्टडी किया जाता है, द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड इंटरेक्शन. द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन इज कॉल्ड फिजिक्स. द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन इज कॉल्ड फिजिक्स. द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन इज कॉल्ड फिजिक्स. द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन इज कॉल्ड फिजिक्स. द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन इज कॉल्ड फिजिक्स. इसको मेरा बेटा हम नाम देते हैं फिजिक्स का. सबसे पहले हमने साइंस की डेफिनेशन पढ़ी. साइंस की डेफिनेशन में हमने कहा, जिसमें मेरा बेटा द नॉलेज गेन थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स, ये बात कल हो चुकी थी, द नॉलेज गेन हासिल होता है थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स, थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंटेशंस, जिसमें कल प्लांट्स वाली एग्जांपल ली थी, इज कॉल्ड साइंस. उसको हम साइंस का नाम देते हैं. फिर उसने हमने बोला कि ये ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड एक्चुअली था सेंटिया, लातीनी जुबान का, सॉरी लैटिन वर्ड है सेंटिया, जिसका मतलब था मेरा बेटा नॉलेज. उससे साइंस को डिराइव किया गया है. बट यहां पे हम लोगों ने कहा, फिर उसके बाद 18वीं सदी तक एक्चुअली हर चीज को एक ही सब्जेक्ट में स्टडी करते, इसे नेचुरल फिलोसफी कहते हैं. फिर हमने कहा कि हमारे पास और ज्यादा नॉलेज बढ़ता गया, तो हमने नॉलेज को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स एंड द स्टडी ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स. अब फर्दर नॉलेज इतना ज्यादा बढ़ता गया है कि हमने अगेन फर्दर ब्रांचेस बना दी. अब फिजिक्स की आगे फर्दर ब्रांचेस हैं जिसको आज हम डिस्कस करेंगे. सबसे पहले अगर फिजिक्स की डेफिनेशन की बात करें, द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन इज कॉल्ड फिजिक्स. द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन इज कॉल्ड फिजिक्स. द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन, उसको मेरा बेटा हम नाम देते हैं फिजिक्स का. द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन. अब मेरे बच्चे, फिजिक्स की डेफिनेशन के बाद अब हम बात करेंगे. आप लोगों ने सुना होगा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, ये डिफरेंट नाम्स, या इलेक्ट्रॉनिकल इंजीनियर, या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स. सो मेरे बच्चे, अब फिजिक्स के अंदर डिफरेंट पोर्शन को स्टडी करने के लिए डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बना दिए गए,
डिफरेंट, मतलब आप जिस तरह डॉक्टर्स होते हैं हर एक चीज़ का स्पेशलिस्ट होता है, इसी तरह मेरा बेटा फिजिक्स के नॉलेज को भी कैटेगराइज कर दिया गया। ये नॉलेज इतना बड़ा होता गया या इतना बढ़ता गया कि हमें मेरा बेटा क्या करना पड़ा कि फिजिक्स की भी आगे ब्रांचेस बनानी पड़ी। तो कुछ ब्रांचेस को आज हम डिस्कस करते हैं मेरा बेटा। सबसे पहले अब मेरे बच्चे, सबसे पहले मैं ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स की बात करने लगा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। फिजिक्स को हम लोगों ने डिफाइन कर लिया। अब कुछ लोग ये पूछ रहे हैं सर याद कहाँ से करना होगा, तो मेरा बेटा मैं आप लोगों को मार्क करवा दूंगा। वैसे पेज नंबर 3 का जो पैराग्राफ आपको टॉप पे नजर आ रहा है सिर्फ वही याद करना है। उसके बाद पेज नंबर 3 पे इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स में आए, तो इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स में पेज नंबर 3 में 4th लाइन में लिखा हुआ है, इन फिजिक्स वी स्टडी मैटर एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन। सिर्फ इसको अंडरलाइन कर लें, ये आपने याद करना है। पेज नंबर 3 पे इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स 1.1 टॉपिक के अंदर लिखा मेरा बेटा, इन फिजिक्स वी स्टडी मैटर एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन। अब मेरी जान में हम बात करते हैं ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स की। सो ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स में सबसे पहले ब्रांच आ रही है मेरा बेटा मैकेनिक्स की। जिस फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम स्टडी करेंगे मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, मतलब मैकेनिक्स के अंदर क्या चीजें डिस्कस की जाती हैं, ऑब्जेक्ट्स की मोशन को, ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो क्यों है, ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, इनके कॉजेस क्या हैं और इनके अफेक्ट्स क्या हैं। फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें ये चीज स्टडी की जाए उसको नाम दिया जाता है मेरा बेटा मैकेनिक्स का। राइट साइड पे येलो कलर के बॉक्स के अंदर ये डेफिनेशंस आप लोगों को नजर आ जाएंगी। द स्टडी ऑफ द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, द स्टडी ऑफ द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, कॉजेस एंड अफेक्ट्स, कॉजेस एंड अफेक्ट्स, इसको मेरा बेटा हम नाम देते हैं मैकेनिक्स का। इसको क्या नाम देते हैं मेरा बेटा, हम मैकेनिक्स का नाम देते हैं। द स्टडी ऑफ द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स या फिर रेस्ट में क्यों है, ऑब्जेक्ट मूव क्यों करते हैं, इनकी रीजन क्या है, ये सारी चीजें जिस ब्रांच में डिस्कस की जाएंगी, जिस डिपार्टमेंट में डिस्कस की जाएंगी, जिस पोर्शन में डिस्कस की जाएंगी, उस चीज को नाम दिया जाएगा मेरी जान मैकेनिक्स का। उसके बाद मेरा बेटा हम बात करते हैं हीट की। अब मेरा बेटा आपको बड़े अच्छे से पता है हीट एनर्जी हमें खाना बनाने के लिए भी चाहिए, सर्वाइवल के लिए भी चाहिए, फोटोसिंथेसिस को प्रोसेस के लिए भी चाहिए। एक्चुअली हीट आपके पास एनर्जी की फॉर्म है। हम इसमें इसकी नेचर के बारे में पढ़ेंगे कि हीट की नेचर क्या होती है, कहाँ पे फायदेमंद, कहाँ पे नुकसानदेह, कहाँ से उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया जाता है। एक्चुअली पूरे 3 चैप्टर हैं इसके ऊपर, मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, उसके अफेक्ट्स क्या हैं। मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट का मतलब होता है हीट को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। साइंस भी आप लोगों ने कंडक्शन कन्वेक्शन रेडिएशन पढ़ा था ना मेरा बेटा, वही बात की जा रही है। मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट और इसके अफेक्ट्स क्या हैं, कॉजेस क्या हैं, ये सारा स्टडी किया जाएगा फिजिक्स की किस ब्रांच में मेरा बेटा, हीट में। फिजिक्स की जिस ब्रांच में ये सारी चीजें स्टडी की जाएंगी उसको क्या नाम दिया जाएगा मेरा बेटा, हीट। अब ये हीट की डेफिनेशन नहीं है, ये ब्रांच है। हीट ब्रांच में एक्चुअली हम क्या क्या स्टडी करेंगे। उसके बाद मेरा बेटा साउंड की बात करें, मैं ये चीज क्लियर कर दूं, ये जो डेफिनेशन यहां पे इसके नीचे लिखी हुई है दीज आर नॉट द डेफिनेशन, ये सिर्फ ये चीज बता रही है कि किस किस ब्रांच में, मतलब आप ये कह लो ना कि किस किस डिपार्टमेंट में क्या क्या काम होता है, वो बात की जा रही है। अब मेरा बेटा बात करते हैं साउंड। तो फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें आप ये बात करो कि साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है, प्रोडक्शन ऑफ साउंड, या उसको कम या ज्यादा कैसे किया जा सकता है, इसे कहते हैं मेरा बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या हैं और इसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं। फिजिकल एस्पेक्ट्स का मतलब कम या ज्यादा करना, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करना, कौन सी आवाज सुन सकते हैं, किसको नहीं सुन सकते। अब मेरा बेटा ये
सारी चीजें जिस ब्रांच ऑफ साइंस में या ब्रांच ऑफ फिजिक्स में स्टडी की जाएंगी उसको हम साउंड का नाम देंगे। आज पहली तीन ब्रांचेस करेंगे। फिजिक्स की डेफिनेशन आप लोगों ने कर ली, डिफरेंस बिटवीन बायोलॉजिकल साइंस एंड फिजिकल साइंस हो गया। अब मेरा बेटा आप लोगों का जो टेस्ट है वो मैं स्टार्ट करवा, टेस्ट है इनका नहीं ऐड हुआ मेरा बेटा, कल इससे रेलिवेंट जितना हम लोगों ने मेरा बेटा पढ़ लिया है इससे रेलिवेंट आप लोगों का टेस्ट स्टार्ट होगा। एंड टाइम क्या नहीं 20 पे स्टार्ट नहीं हुई, हाँ ठीक है सही सही। अच्छा मेरा बेटा तो आप कुछ और ब्रांचेस कर लेते हैं, अभी हमारे पास टाइम अच्छा खासा पड़ा हुआ है। तो अब हम मेरा बेटा बात करते हैं नेक्स्ट ब्रांच की जो कि आपके पास है मेरा बेटा लाइट, जो हमारे पास क्या आ रही है लाइट, लाइट जिसे हम रोशनी भी कहते हैं। डेली लाइफ में उसका कितना इस्तेमाल है ये बात आप लोगों को बड़े अच्छे से पता होनी चाहिए कि लाइट ना हो तो हम देख भी नहीं सकते। देखने के लिए जिस चीज़ की जरूरत उसको लाइट कहते हैं, और वो इंस्ट्रूमेंट्स जो देखने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे आप किसी भी ग्लासेस की दुकान के बाहर जाओ तो ऑप्टिकल सेंटर लिखा होता है, हसन ऑप्टिकल सेंटर, अहमद ऑप्टिकल सेंटर। तो मेरा बेटा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स वो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनको देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि लेंजेज, सनग्लासेस, कैमरा, माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, दीज आर ऑल कॉल्ड द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की कंस्ट्रक्शन क्या है, बनाया कैसे जाता है, इनका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, इन सारी चीजों के बारे में स्टडी करना किस ब्रांच ऑफ फिजिक्स में किया जाएगा वो मेरा बेटा आपके पास है लाइट। जिस ब्रांच ऑफ फिजिक्स में ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे उसको मेरा बेटा हम नाम देते हैं लाइट का। अब मैं आप लोगों की जो चैट है उसको एनेबल करता हूं और आप लोगों ने जो सवाल पूछने होंगे मेरे बेटा वो अब आपने पूछने हैं। जी मेरे बच्चे तो यहां तक आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं, इतना हम लोगों ने मेरा बेटा पढ़ लिया। ये ब्रांचेस आपको राइट साइड पे येलो पैराग्राफ में पेज नंबर 3 पे भी नजर आ रही हैं। जी मेरा बेटा अब मेरा ध्यान आपके कमेंट सेक्शन पे है, आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। जी लाइट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑप्टिक्स। यहां तक किसी किस्म का कोई इश्यू है तो मेरा बेटा आप लोग पूछ सकते हैं, ये क्लियर है। चैप्टर नंबर 1 फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स की बात अभी बात नहीं हुई, आज किसी किस्म का मेरा बेटा फिजिक्स का टेस्ट नहीं है। अब मेरे बच्चे यहां तक कोई क्वेश्चन पूछना है तो मेरी जान पूछ लें। बाकी रही बात, किसी ने पूछा स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम, मेरा बेटा डिफरेंट होती है सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में। जब आप 10th क्लास में आएंगे ऑप्टिकल ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के अंदर आप लोगों का ये टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा, आप लोगों का जो टेस्ट है वो हो जाएगा, या जो ये सारी चीज़ के बारे में। सर व्हाट इज रेस्ट, जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजिशन चेंज नहीं कर रहा, आप अपनी चेयर पर रेस्ट में बैठे हो तो रेस्ट में हो भाई, क्या हो गया मेरा बेटा। लेंजेस, सनग्लासेस, कैमरा, क्या क्वेश्चन किया, व्हाट इज रेस्ट। सो अगेन लाइट फिजिक्स की वो ब्रांच जिसके अंदर हम स्टडी करेंगे कि लाइट की प्रॉपर्टी क्या है, कैसे हमें नजर आता है, हमारी आंखों से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कैसे होती है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किसे कहते हैं, ये 10th क्लास के अंदर टॉपिक है। मोड ऑफ ट्रांसफर हीट का मतलब होता है मेरा किन तरीका कार से हीट एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाई जाती है। कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, अब्दुल्ला होते हैं मेरा बेटा इस बुक का चैप्टर नंबर 9 जो कि आखिरी चैप्टर है वो इसी से रेलिवेंट है। यहाँ पे जस्ट हम इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं कि किन किन मेथड को इस्तेमाल किया जाएगा। हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, जो आपको गर्म सर्दियों के अंदर
हीट अप करने के लिए भी ज़रूरी है, नहाने के लिए भी ज़रूरी है, कपड़े धोने के लिए भी ज़रूरी है, प्लांट्स को भी सन लाइट चाहिए। जी मेरा बेटा, मैं सारा ही रिपीट कर देता हूँ, 3 दफ़ा तो रिपीट कर लिए, एक ही गाली मेरा पुत्र, बायोलॉजिकल फिजिकल साइंस। साउंड, आप बोल रहे हो, जो चीज़ वाइब्रेट करती है, देखो जो चीज़ वाइब्रेट करेगी वो क्रिएट करेगी साउंड, और जो चीज़ साउंड क्रिएट करती है वो वाइब्रेट करती है। साउंड को प्रोड्यूस कैसे करते हैं, उसको कम या ज़्यादा कैसे किया जाता है, ये सारा कुछ साउंड के अंदर स्टडी किया जाएगा। मेरा बेटा, इन्हें कोई एग्जाम्पल होंगे मैं तो 10 दिन का हाँ आपको बना के देता हूँ मेरा बेटा, न्यूक्लियर वेपन में मोड्स ऑफ हीट कैसे काम करते हैं, चैप्टर नंबर 9 में मेरा बेटा जब आएंगे ना तो बताऊंगा कि कैसे काम करते हैं। बैटरी लो है जरा देखना, ब्लिंक कर रही है। अब जो लोग मेरा बेटा, इवन कि आपको बड़े अच्छे से पता है कि इस टॉपिक को हमने 3 से 4 दफ़ा रिवाइज भी किए हैं, तो मेरे बच्चे आप लोगों को अगेन स्टिल कोई क्लास में बिल्कुल एंड पे आया है, सो व्हाई डू वी स्टडी फिजिक्स, टू एक्सप्लोर द नेचर, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द मैटर एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन। अल्लाह ताला ने कहा है कि मुझे पहचानो, और अल्लाह ताला को पहचानने का मतलब हर चीज़ के बारे में जानना है, जब हर चीज़ के बारे में जानना है तो फिर आपको फिजिक्स भी पढ़नी होगी। चले हो गए 50 कि नहीं जी, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है जी। जुजाज, जुजाज पता नहीं क्या नाम है यार, क्या पूछा आपने, जी मैं क्या हेल्प करूं मेरा बेटा। अब पुत्र लाइट आपके पास वो चीज जिसे देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ऑप्टिक्स, और हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, फोटोसेंसिस के प्रोसेस में चाहिए, खाना बनाने के लिए चाहिए, तो ये डिफरेंस ही है मेरा पुत्र, और क्या है। जज़ाकअल्लाह मेरा बेटा। और ये ऑसिलेशन टू एंड फ्रो मोशन कहते हैं मेरा बेटा, 10th क्लास में आ जाओ, ऑसिलेशन और वेव पढ़नी है तो। जी सबसे इंपॉर्टेंट ब्रांचेस सारी इंपॉर्टेंट है, कोई भी चीज़ अनइम्पॉर्टेंट नहीं है, कोई अनइम्पॉर्टेंट होगी तो मैं मेरा बेटा बता दूंगा, कहीं से भी पेपर आ सकता है। 60 out of 60 लेने के लिए आपको ईच एंड एवरी थिंग देखने को, मेरा बेटा आप लोगों के सामने यहाँ पे मेरी प्रोफाइल गिवन है, उसके ऊपर पूरी डिटेल है, और जो लोग न्यू है मेरा बेटा वो फॉलोअप भी ज़रूर करें, और इसी के साथ अपना मेरा बेटा जो फीडबैक है उसको भी ज़रूर सबमिट करवाइएगा। बेटा आपने अब्दुल्ला खाना बनते हुए नहीं देखा तो हीट ट्रांसफर हो रही होती है फ्रॉम हॉट पार्ट टू द कूल पार्ट, इसे ट्रांसफर ऑफ हीट कहते हैं थ्रू द कंडक्टर्स। मैंने कहा बेटा लास्ट चैप्टर होगा उसमें डिटेल आएगी, यहाँ पे इंट्रोडक्शन है, दीज आर कॉल्ड द ब्रांचेस, बताया जा रहा है कहाँ पे क्या क्या चीज़ें स्टडी की जाएंगी। जी हजरा बेटा आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, इवन के मेरी प्रोफाइल में नंबर भी गिवन है मेरा पुत्र। और यही बात जिन लोगों ने बड़े अच्छे से, आपको पता है कि 4 चैप्टर तकरीबन हम लोग कर चुके थे, और 4 चैप्टर तक जिन लोगों ने मेरे पास पहले भी पढ़ा हुआ है इन क्लासेस में, जब तक हम 4 चैप्टर तक नहीं पहुंचते मेरा बेटा आप लोगों ने थोड़ा हौसला रखना है, ठंड रखनी है, ताकि बाकी लोग जो न्यू हैं उनको भी ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएँ। मैं यहाँ पर ये बढ़ा रहा हूँ, आप अगले 2-3 पेजेस की लाइनें बोलना शुरू कर देते हो, आई नो कि आप लोगों को ये चीज़ अब आ गई है, लेकिन मेरा बेटा ड्यूरिंग द क्लास अब आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ सुनना होगा। सो डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स, बायोलॉजिकल साइंस, फिजिकल साइंस, साइंस और ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स जो हम लोगों ने ऑप्टिक्स तक पढ़ी मेरा बेटा, ये आप लोगों ने लर्न करनी है।
सर मैं भी फी दूं इम्पोर्टेंट है क्या? क्या मेरा बेटा आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हैं जो आप फीस नहीं दोगे? सबके यार। चलो भाईजान अपना बहुत सारा सा ख्याल रखें, खुश रहें, जीते रहें। बेटा हमारे बस में नहीं है, जैसे हमें इंस्ट्रक्शंस दी जाती है उसको फॉलो किया जाता है। सो अल्लाह हाफिज़।